क्या हो गया यार, ये लिफ्ट ऊपर क्यों नहीं आ रही है? इस लिफ्ट को भी अभी खराब होना था क्या? वैसे मैं इतनी थकी पड़ी हूँ, अब मुझे सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़ेगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया फिंगरप्रिंट आया मैडम का। अब ये फिंगरप्रिंट ले जाके ना मैं भैया को दिखाऊंगा। भैया वो मुझे मंत्री जी से मिलना था। ठीक है मैडम, पर ये आप फोन अंदर नहीं ले जा सकते, आपको यहीं जमा करवाना पड़ेगा और जाते समय आप ले लेना। अरे वाह, मैडम का फोन तो मिल गया, अब बस फिंगरप्रिंट चाहिए और मेरा काम हो जाएगा। पर ये फिंगरप्रिंट मिलेगा कैसे? ये लो भैया, मैं ले आया मैडम का फिंगरप्रिंट। अरे वाह छोटे, तूने अपना काम कर दिया, अब दिखा मेरे को अपना काम करने दे। अरे वाह ये तो खुल गया, अब मैं एक काम करता हूँ, इनके घर वालों से ना पैसे मंगवाता हूँ और अकाउंट नंबर अपना दे दूंगा। इसके भाई को मैसेज करते हैं पैसे के लिए। अरे वाह ये तो मान गया, स्कैनर मांग रहा है, स्कैनर भेज देता हूँ। अरे वाह इसने 5000 रुपये भेज भी दिए। अब एक काम करता हूँ, इसका नंबर ब्लॉक कर देता हूँ, वरना ये फ़ोन करके पूछेगा ज़रूर कि पैसे क्यों मंगवाए थे। और छोटे तुझे कपड़े चाहिए थे ना, कपड़े का जुगाड़ तो हो गया। यस ये टेंडर तो मुझे ही मिल गया, लाइए भैया मेरा फ़ोन दीजिए। हाँ ये लीजिए मैडम। ये आपका छोटा भाई है? जी मैडम ये मेरा छोटा भाई है। ये लीजिए भैया पूरे 10,000 रुपए लीजिए। भैया इस पैसों से ना आप अपनी दिवाली बनाना और अपने लिए और अपने छोटे भाई के लिए अच्छे से कपड़े खरीदना, ठीक है भैया? अब मैं चलती हूँ। अरे यार ये मैंने क्या किया, मैंने तो मैडम के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया, जबकि मैडम बहुत अच्छी है, मुझे उन्हें बता देना चाहिए यार। अरे मैडम सुनिए, मैडम मुझे ना एक सच्चाई बतानी है। सच्चाई? कैसी सच्चाई? वो मैडम मैंने आपके फोन से ना 5000 रुपए की चोरी की थी। वो कैसे? पर मेरा फोन तो लॉक था ना। मैडम मैं आपको बताता हूँ मैंने चोरी कैसे की थी। आप दोनों को पता है कि मैं एक आईपीएस ऑफिसर की बेटी हूँ और अभी मैं मिनटों में ना तुम दोनों की लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ। सॉरी मैम हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। मैम हमें माफ कर दीजिए मैम। आप दोनों ने मुझसे सच बोला इसलिए मैं तुम दोनों को माफ कर रही हूँ। अगर तुम दोनों की जगह कोई और होता ना तो मैं उसे माफ नहीं करती। लाइए ये 10,000 रुपए मेरे वापिस कीजिए और आगे से ना तुम दोनों ये हरकत किसी और के साथ मत करना। और जो तुम दोनों ने 5000 रुपए चुराए ना उससे अपने लिए तुम दोनों दिवाली पे कुछ खरीद लेना। और हाँ तुम दोनों को मैं इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि तुम दोनों ने मुझे सच्चाई बताई है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम।